वालेकुम। तो हेलो गाइस, ये अब मैं अपनी डॉक्यूमेंट्री का सेकंड पार्ट करने लगा हूँ। ये हम करेंगे कंटिन्यू जब दादाबू बांग्लादेश इंडिया इतनी देर कैद रहने के बाद घर वाले घर पहुँचे अपने, तो वहाँ से जिस जिसने हमारा लास्ट पार्ट नहीं देखा वो चैनल के लिंक है बायो में, वो जाके ज़रूर देखें। अब आगे हम दादाबू से कुछ क्वेश्चन करते हैं। दादाबू, जब आप अपने घर पहुँचे इतनी देर बाद, तो घर वालों का क्या रिएक्शन था और क्या क्या तब्दीलियाँ थी ईद के माहौल में, क्या क्या तब्दीलियाँ थी? और आपने आप पुलिस की नौकरी जारी रखी के छोड़ दी? जब मैं आया लाहौर में आए थे, अपना दोस्त भी आए थे और रिश्तेदार भी मुझे लेने के लिए आए थे, तो गए जाते हुए वो टांगे पर बैठ के भी गया गाँव में। वो आधे वाले जो रशीदा थी, वो ये सामने वाली थी, वो सारे रिश्तेदार जो थे आए थे। जो फिर वो हमारे नई था मोहम्मद अशरफ, वो 116 सामने को खुल गया, वो भी गए, आधे वाले भी आए, उससे भी आए, किसको से भी आए, जो और गाँव वाले बहुत सारे लोग जिन्होंने इकट्ठे हो गए। उन्होंने स्पीकर मंगाया घर वालों ने, अपना भाइयों ने जो स्पीकर मंगाया, स्पीकर मंगाया जो उसमें तरह तरह के गाने गाने खुशी के वो बजाए, ढोल भी बजाया। उधर आने के बाद चंद महीने हुए मुझे आए हुए, मैंने लाहौर में वापस आने की ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद एक दिन मैं गया अपना गोहिरा, गोहिरा से दुल्हन में कटाया, वहाँ उतर के मैं पैदल गया गांव की तरफ जा रहा था। तो मंगला डैम वाले जो हमारे गांव में कुछ मंगला डैम वालों की ज़मीन पड़ी हुई है, जो मंगला डैम नहीं बना हुआ उनकी ज़मीन पड़ी हुई, वो जा रहे थे पीछे से मैं जा रहा था, समझ गए। तो वो उनके साथ थोड़ी बहुत गुफ्तगू हुई, उन्होंने कहा कि अपना तो कहीं मेरे वालिद को पहले मिले थे इकट्ठे, तो उसी जगह से गुजरते हुए जुलम से वालिद साहब जा रहे थे, जुलम से वो जा रहे थे पहले, तो उन्होंने आगे अबू जो है ना हमारे, वो बोलते जा रहे थे कि मेरे अपना मेरे बाग के पौधे पता नहीं कड़ी हाल से तू कि कितने में, तो अगार करते जाने कले ही। और उन्होंने मंगला डैम वाले बंदे ने दसिया, फिर उन्हें आखिया मंगला डैम वाला बंदा जो है मैं अभी जो आखिर छाते थे कि घर के पिछले नौ नौ बंदे ने उस कैद के रह के, वो फौज फौज ने उदू की फौजी जेलम जीत के अपना दीने की जमीरपुर कोई बात नहीं घबराने की कोई जरूरत नहीं, वो ठीक ठाक हैं आ जाएंगे आप ना ऐसा करें। अबू रो रो के ना क्या है, क्यों कहने लगे कि हमारे तो एक एक ही खानदान में से चार चार पाँच पाँच नौ नौ बंदे हैं, कहने लगे हमारे खानदान से नौ बंदे उधर कैद हैं, आप फिक्र न करें आ जाएंगे। तो ये आपके अबू को हमने बताया। तो अब आप इसके बारे में बताएं, जब आपने पुलिस एक दफा दोबारा ज्वाइन की, तो ट्रैफिक पुलिस जब ज्वाइन की तो ट्रैफिक पुलिस वालों के साथ तो आए दिन कोई ना कोई नया वाकया हुए होते हैं, आप क्या बताएं, आपको उधर तो मतलब ड्यूटी करते हुए क्या चीज़ें सबसे ज़्यादा मज़े की लगी और कोई वाकया जो आपको भी याद हो? वाकया यही मुख्तलिफ चौकों में ड्यूटी लगती रही, कोई रिक्शे वाला कभी लड़ पड़ता था, कभी कार वाला, कभी कोई ऐसे ट्रैफिक की जा भी ऐसा है नहीं जिसको कहो वो कहकर मैंने कुछ नहीं किया, वो जाता था वहाँ पे कई जगह पे। एक जगह पे एसपी ने मुझे रोका, आप जाके देखा वो शेरपा पुल के करीब थी, शीशम का लगता चौक में मेरी ड्यूटी थी, वो रश कम हो गया, जब तक टाइम नहीं था, छुट्टी का टाइम नहीं था, उसमें रहता हूँ कोई कोई गाड़ी आती मैं उठा नहीं पड़ा, जब सिगरेट लगा के पीने लगा उससे गया था, एम धूप पड़ी थी तो खड़ा था, उसने मेरा नाम लिख के मुझे दफ्तर बुला लिया, दफ्तर बुला के तो मैंने पनिशमेंट दी, वो ना दी वार्निंग दी, पनिशमेंट ना दी थी वार्निंग दी कि आप इंदा ऐसा नहीं करना, वार्निंग आपको अगर इंदा करेगा तो रोजगार नहीं होगा, यही हुआ। अब आपने शुरू से लेकर अंत तक अपना सारा टाइम हमें बता दिया, रिकॉर्ड भी कर लिया, सबसे ज़्यादा तो होता है कि एक चीज़ रिकॉर्ड हो गई अब वो हमेशा याद रहेगी। तो अब रात का काफ़ी टाइम हो गया, मैं भी काफ़ी देर हूँ सुबह स्कूल के लिए भी उठने, तो अब जब दोबारा ईद पे ईद मिलादुन्नबी पे जब गाँव आएंगे तो आपके साथ गाँव जाएंगे, डेयरी के चक्कर भी लगाएंगे, और सुना है कि चावलों के जो खेत हैं वो काफ़ी हरे भरे हो गए हैं तो वो भी देखेंगे, तो
अभी तो मैं काफ़ी थक गया हूँ, तो बाबा के साथ लाजमी आएंगे ईद मिलादुन्नबी पे। तो आप सबका भी थैंक यू इस फुल डॉक्यूमेंट्री को देखने का। मेरे दादा बू की फुल लाइफ स्टोरी एक टाइप से आप इसे कह सकते हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में जवानी से लेके एंड तक जितना भी देखा हो सारा इस वीडियो में डिस्क्राइब किया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।